पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि एक रिवायत का नाम है। इसकी बुनियाद के साथ ही एक अस्करी तारीख करतास से अभ्यस पर तहरीर हुई। जिन्होंने इस फोर्स की बुनियाद उठाई और कलम हुए वो जब भी हीरो थे, वो अब भी हीरो हैं। पाकिस्तान के वजूद में आते ही दुश्मन भी वजूद में आ चुका था। अंदरूनी और बैरूनी दोनों महासकरम थे, लेकिन जिन्होंने अपने लिए एक अलहदा मुल्क का हसूल मुमकिन कर लिया था उनके लिए क्या ही नामुमकिन था। बर्री और फिजाई अफवाज के साथ साथ पाकिस्तान नेवी भी रोज अव्वल से ही मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबर्दाजमा हो रही थी, लेकिन उनके हौसले और हिम्मत दुश्मन के लिए हमेशा चैलेंज बने रहे। जैसे कहा जाता है कि सबमरीन्स आर वेपन ऑफ सी डिनायल, कि ये दुश्मन के उन जगहों तक पहुंचती है और उसकी इजारादारी को ख़त्म करती है जहां से वो अपने दिफा की स्ट्रेंथ गेन करता, तो ये उसका बेसिक मकसद है। और ये चूंकि अनडिटेक्टेड रहती है तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म सबसे सूटेबल है सी डिनायल के लिए। सबमरीन बहरी फोर्स में हरावल दस्ते का किरदार अदा करती है। इसका खासा है कि ये बदलती हवाओं का रुख भांप कर सबसे पहले समंदर में उतरती है और हवाओं का रुख तय होने के बाद ही सबसे आखिर में लौटती है। सबमरीन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मोर ऑर लेस दे लिव टुगेदर एंड दे डाई टुगेदर। पाकिस्तान नेवी के अव्वलीन जुज सबमरीन गाजी ने सितंबर 1965 में समंदर की तह में रहकर मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत की, और फिर जब 1971 की जंग में पाकिस्तान की हिफाजत पर दोबारा आंच आई तो सबमरीन फोर्स बन चुकी थी, जो दोबारा से पहरेदारी का अलम उठाए समंदर की तह में अपने फराइज के अंजामदही में मसरूफ हो गई। और फिर अंगोर ने पानी की मोहब्बत में मट्टी के सारे पिछले कर्ज उतार दिए। सबमरीन और उससे जुड़ा हर फर्द जमीनी हंगामों से दूर समंदर की गहराइयों में पिन्हा एक अलग ही तर्ज की ड्यूटी पर होते हैं, जहां मौजूद लोगों का मकसद हयात उन्हें एक लड़ी में परोए रखता है। मैं कहूंगा इट इज द टीम बिहाइंड द टोरपीडो और बिहाइंड द गन, क्योंकि जितना टीम वर्क सबमरीन में रिक्वायर्ड है मेरे ख्याल किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं है। सबमरीन जितनी दफा भी बहरी रास्ते तय करे हर बार वो उसके लिए अनजान ही होते, और अनजान रास्तों पर सफर इंतहाई पुरखतर होता है, जहां साहब की हसासियत अपने अरूज पर होती है। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि रिस्क, तो मैं वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम की कोटेशन बताऊंगा कि वो हमेशा कहते थे कि रिस्क बट कैलकुलेटेड रिस्क, कि आपको पता हो कि उस रिस्क में क्या मसाइल आ सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप अपने सेफगार्ड्स रखें, तो देन इट इज़ अ वाइज डिसीजन। सबमरीन में फराइज सर अंजाम देने वाले लोगों से जुड़े रिश्ते भी उतने ही काबिले तारीफ होते हैं जो अपने प्यारों को सिर्फ वतन की खातिर अनजान लहरों के हवाले करते हैं। The submarine wives really play a great part because when the submariners are away for over a month, they take care of the children, उनकी परवरिश करती हैं, उनको स्कूल लेके जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम देखती हैं। मादरे वतन पाकिस्तान को वजूद में आए 76 साल हो चुके, मगर दरपेश चैलेंजेस के सामने सबमरीन फोर्स ज़र्बे आहन की मिसाल बने, हर दम मौजूद और मुस्तकिल। ये एक दो दहाइयों की बात नहीं बल्कि बहादुरी की निसफ सदी से जायद की रिवायत है। सबमरीन फोर्स हमेशा की तरह आज भी सबसे अव्वल, सबसे बेहतर और बेहतरीन का अमली नमूना बनी बहरी सरहदों की कड़ी निगरानी का फर्ज निभा रही है और ताबद निभाती रहेगी।